नमस्कार, एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली में हमारे साहब हैं सत्य प्रकाश एडवोकेट और कैन साहब हैं, जिन्होंने बहुत बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और इतिहास की हर एक चीज़ पे उनकी नज़र रहती है। सत्य प्रकाश जी, एस एम न्यूज़ से स्वागत है आपका। थैंक यू जय भीम जी। थैंक यू सत्य प्रकाश जी, एक बात बताइए। अभी उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी का कहना था कि जो गॉड हैं, भगवान हैं हनुमान जी, वो दलित समुदाय के हैं। तो दलित समुदाय के हैं तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 5000 साल पुरानी जो माइथोलॉजिकल बात ये करते हैं और इन्हें अपने लाखों साल का इतिहास में आज इन्हें ये बात पता लगी कि हनुमान जी जो दलित है जी। क्योंकि अब से पहले जितने गुरु, इनके संत, जितने महात्मा, जितने देवी, जितने देवता, जितने अवतार आए, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि वो हनुमान जी दलित हैं। अब जो नए अवतार पैदा हुए हैं योगी जी, इन्होंने बता दिया कि वो दलित है। तो अब पहला नाम ये होना चाहिए कि बजरंग दल का नाम बजरंग दलित दल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने जिस आधार पे ये बात बोली है कि भाई वो दलित थे, आदिवासी थे, गिरिजन थे, मुझे ये नहीं पता कि गिरिजन शब्द ये कहां से लाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो अनुसूचित जाति जनजाति डिप्रेस क्लास की बात थी। और जब योगी जी इस बात को कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे, तो लगे हाथ सबकी जातियां बताते चलो, भगवान राम की भी बता दो, माता सीता की भी बता दो, शंभुक ऋषि की भी जाति हमें पता लगनी चाहिए कि शंभुक ऋषि कौन थे और उनके उनका वध क्यों हुआ, ताकि हम अवतारों को अपना मान सके। अगर ये इस आधार पे कि उनकी नाक चपटी है, इस आधार पे कि वो दिखने में छोटे हैं, इस आधार पे कि वो दिखने में हमारे शेड्यूल टाइप समाज जैसे हैं, इस आधार पे अगर भगवानों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो लगे हाथ भगवान शिव को भी आप सपेरा बता दीजिए और जितने भगवान कृष्ण को भी यादव जो यदि वंशी जो ओबीसी समाज से होते हैं, उन सबकी जातियाँ बना दीजिए, उस हिसाब से हम अपने भगवान बांट लेंगे और भगवानों के आधार पर जो राजनीति आप कर रहे हो उस राजनीति में अपना सहयोग दे देंगे।